अलवर से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। विधायक चौधरी ने मीडिया से चर्चा में बताया, भाजपा के राज में बिजली तारों में नहीं, बिजली बिलों में जरूर करंट लग रहा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया, अघोषित बिजली कटौती से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, करंट तारों में नहीं बिजली के बिलों के अंदर आना शुरू हुआ, और पिछली एक तारीख से लगातार जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती योजना चालू करी, ग्रामीण कटौती योजना, शिवराज जी की सरकार का मध्य प्रदेश की सरकार जब जब बीजेपी की होती है तो किसानों के प्रति नकारात्मकता, ग्रामीणों के प्रति नकारात्मकता का भाव रखती है। यही नतीजा है कि आज गाँव में जिस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही है, पूरे प्रदेश में हाहाकार है, त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रे के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, शादियां शुरू हो गई उनके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, रमजान चल रहे हैं उनके लाइट की व्यवस्था नहीं है, गर्मी बे इंतहासा बढ़ी हुई है, किसान की खरीदी चल रही है, सोसाइटियों के ऊपर जो लाइट की व्यवस्था होना चाहिए वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा सरकार कर रही है, और खरीदे हुए जनादेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा। काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।